नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से अन्नदाता कृषक का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। अन्नदाता कृषक के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि कवि पूरन चंद्र कांडपाल जी किसान की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान सूर्य निकलने के पूर्व ही अपने कर्म क्षेत्र खेत में हल और बैल के संग पहुंच जाता है। कवि किसान के शब्दों में कहते हैं कि मेहनत करना ही किसान कर्तव्य और धर्म मानता है। खेत खलियान किसान के लिए मंदिर है। खेतों की मिट्टी ईश्वर की भांति लगती है उसे। आगे कवि कहते हैं कि कार्यरूपी यज्ञ में किसान का पुत्र पुत्री पत्नी और परिवार है। अन्न की बाली को देखकर उस समय किसान महसूस करता है कि जैसे स्वर्ग का द्वार प्राप्त कर लिया हो। आइए अब कविता की ओर चलते हैं। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है। अवतारी तू इसम ही पर परमेश्वर अन्न दाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में पूरन चंद्र कांडपाल जी किसान के त्याग और तपस्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे किसान, तू तो मानवता का स्वामी है। किसान, तू सबकी भूख को मिटाता है, सबकी भूख को शांत करता है। तू ही इस धरती पर अवतारी पुरुष है। तू अन्न प्रदान करने वाला परम पिता परमेश्वर है। कृषक तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता। यदि न बोता अन्न बीज तू क्या मानव कहीं टिक पाता। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को। सुर संत सन्यासी सम गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। कवि पूरन चंद्र कांडपाल जी त्याग और तपस्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे किसान, सारे विश्व की मानवता तेरी कर्जदार रहेगी। क्यों? यदि तू अन्न का बीज बोकर फसल नहीं उगाता तो इस धरती पर मानवता भी नहीं बचती। अर्थात तेरा दिया हुआ अन्न खाकर ही इस पृथ्वी पर मानव जीवित है। हे किसान, तू अपना जीवन मिटा के औरों को जीवन प्रदान करता है। तू तो देवता सुर संत सन्यासी व गुरु के समान है। इस संसार में तेरा स्थान पूजनीय है। धन्य है तेरे पंच तत्वों को जिसने रचा है तन तेरा। नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन शत शत मेरा। कवि किसान को आराध्य मानते हुए किसान को शत शत नमन करते हैं और कहते हैं तेरा पंचतत्व से बना हुआ शरीर, पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ यह शरीर धन्य है। तू धन्य है किसान। हे किसान, तू वास्तव में नर के रूप में नारायण बनकर आया है। मैं तुझे सैकड़ों बार नमस्कार करता हूँ। किसान, मेरी ओर से तू नमन स्वीकार कर। इसलिए तो किसान को अन्नदाता और जगत का आराध्य कहते हैं। विद्यार्थियों, कवि पूरन चंद्र कांडपाल जी ने किसान की महत्ता और किसान के त्याग और तपस्या का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इस कविता के माध्यम से। परंतु वर्तमान में हम देखें तो किसान की हालत आज दयनीय है, जिससे आप भी परिचित हैं। विद्यार्थियों, ये कविता मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस कविता को बहुत ही ध्यान से श्रवण किए। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। गृहपाठ। किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसान सबकी भूख मिटाता है, इसलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है। किसान स्वर्ग का द्वार कब प्राप्त करता है? जब किसान अपने खेत में लहराती हुई बाली का दर्शन करता है, तब किसान को स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है। अच्छा विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अब एक नए पाठ के साथ
और आपकी मंगल कामना के साथ मैं पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।